इस वीडियो सेशन में हम आपको असाइनमेंट नंबर 2 बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या डिसीजन फ्लो स्टेटमेंट्स या डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पे आपको बताएंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का आंसर या जवाब फाइंड आउट करने की लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को ऐसा पढ़ना पड़ेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड n, यानी y का वैल्यू x और n के वैल्यू पे निर्भर है। तो इस चार्ट देख के आपको y का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब n एक है y होगा 1+x, जब n 2 होगा y होगा 1+x/n, जब n 3 होगा y होगा 1+x^n, और n के कोई अलग वैल्यू 1, 2, 3 के अलावा अगर वैल्यू होगा तो y होगा 1+n(x)। तो आपको यूजर से n और x पूछना पड़ेगा और उस बेसिस पे आपको y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ऐसा एक टेबल पे सैंपल वैल्यूज x और n का ले सकते हैं और लेके इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहले आप पेन और पेपर से इसका सोल्यूशन हल कीजिए और जब ये एल्गोरिथम कंप्लीट होगा, टेस्ट टेबल बना के उसे टेस्ट करके आउटपुट वेरीफाई कीजिए। नंबर 2, तो इस आपने जो इनिशियली वैल्यू दिए थे, देख लीजिए कि आपका टेस्ट टेबल भी वही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 5, तो समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट या एक स्कूल है जिसमें 5 सब्जेक्ट में फाइनल एग्जाम लिए जा रहे हैं। उन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हम कह सकते हैं M1, M2, M3, M4, ठीक है। उन 5 सब्जेक्ट्स का नाम है M1, M2, M3, M4 और M5। हर सब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं आप कि आउट ऑफ 100 होगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन 5 सब्जेक्ट्स बेसिस पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और परसेंटेज बेसिस पे आपको स्टूडेंट का ग्रेड अवार्ड करना पड़ेगा। यानी अगर परसेंटेज 0-39 के बीच में हो, स्टूडेंट फेल माना जाएगा। 40-50 हो, स्टूडेंट पास माना जाएगा। अगर 51-60 हो, सेकेंड क्लास माना जाएगा। 61-70 हो, फर्स्ट क्लास माना जाएगा। 71-100 वो स्टूडेंट को हम डिस्टिंक्शन मानेंगे। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले थोड़ा डेटा वैल्यूज जनरेट कीजिए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए डेटा वैल्यूज जनरेट कीजिए, थ्रू कैलकुलेटर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि ये पास है, फेल है, फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है। तो हर केस के लिए एक एक वैल्यू, एक रो बनाइए। जब आप अल्गोरिथम का लॉजिक बनाओगे, तब आप टेस्ट टेबल द्वारा ये चेक कीजिए कि क्या हर कंडीशन का रिजल्ट प्रिंट हो रहा है या नहीं है। किसी का परसेंटेज अगर 39 एग्जैक्टली हो, क्या वो फेल प्रिंट कर रहा है या नहीं है। अगर किसी का 45 हो, उसे पास क्लास प्रिंट हो रहा है या नहीं। अगर किसी का 60 हो, क्या उसका सेकेंड क्लास दिखा रहा है या नहीं। अगर 61-70 है, किसी का फर्स्ट क्लास प्रिंट हो रहा है या नहीं हो, या 75-100 या 71-100 के बीच में हो तो वो डिस्टिंक्शन है या नहीं है। तो ऐसे हर बेस केस के लिए आप टेस्ट डेटा क्रिएट कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि आपका प्रोग्राम लॉजिक सही वर्क हो रहा है या नहीं है।